एपिसोड में हम आपको बताएंगे डिवाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुडोकू शेयर जरूर करिएगा और आप भी देखिएगा, अपने चाहने वालों को भी दिखाइएगा। डिवाइड, डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। डिवाइड क्या होता है? किसी संख्या को किसी संख्या में से बार बार घटाने की प्रक्रिया को डिवाइड कहते हैं, या किसी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटना ही डिवाइड होता है। चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं और उसके पास 9 चॉकलेट्स हैं, और उस 9 चॉकलेट्स को बराबर बराबर 3 बेटों में बांटना है, तो हम कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, कितने बेटे हैं? 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। कितनी चॉकलेट्स हैं? 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। और हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, कितनी बार गया? 3 जा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 3 3 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। हमें हमेशा डिवाइड में माइनस करना रहता है। 9 में से जब 9 माइनस होगा तो 0, तो एक बेटों को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? 3। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 टोकरी हैं और 12 मैंगो हैं, और उस 3 टोकरी में बराबर बराबर मैंगो रखना है, तो एक टोकरी में कितने मैंगो होंगे? चलिए देखते हैं। लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, कितनी टोकरी है? 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। कितने मैंगो है? 12, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे हम कि 12 से ज्यादा ना हो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, कितनी बार गया है? 4 जा, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। 3 4 12, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। और डिवाइड में हमें हमेशा माइनस करना रहता है, तो अगर 12 में 12 माइनस होगा तो कितना? 0। और एक टोकरी में कितने मैंगो हम रखेंगे? 4। चलिए तीसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 गमले हैं और 15 प्लांट्स हैं, और हर एक गमले में बराबर बराबर प्लांट्स को लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? चलिए करते हैं। लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, कितने प्लांट्स हैं? 15, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। कितने गमले हैं? 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। और हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, कितनी बार गया है? 3 जा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। 5 3 15, तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। 5 में से जब 5 माइनस होगा तो 0, 1 में से जब 1 माइनस होगा तो 0, तो यहाँ कितना होगा? 0। तो 1 गमले में कितने प्लांट्स लगेंगे? 3। तो चलिए फोर्थ एग्जांपल लेकर देखते हैं। लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, मान लीजिए 7 है और 35 है, तो हमें 35 को 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? हम 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना हो। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, कितनी बार गया है? 5 जा, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। 7 5 35, तो हम यहाँ 35 लिखेंगे। तो जब 5 में से 5 माइनस होगा 0, और जब 3 में से 3 माइनस होगा तो 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0। तो चलिए फिफ्थ एग्जांपल लेकर देखते हैं। लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, मान लीजिए 6 है
और 24 है, और हमें 24 को 6 से डिवाइड करना है। तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, कितनी बार गया है 4 जा, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। 6 फोर जा 24, तो हम यहाँ 24 लिखेंगे। तो 4 में से जब 4 माइनस होगा तो 0, 2 में से जब 2 माइनस होगा तो 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0। तो दोस्तों आप लोग घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करिए, और मैथ के लिए टेबल बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।